हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के इंग्लिश के चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। वन डे एलिस वाज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। इस स्टोरी में एक लड़की होती है जिसका नाम एलिस है। वो एक दिन एक पेड़ के नीचे लेटी हुई है और उसकी जो सिस्टर है वो उसको स्टोरी सुना रही है और वो उन स्टोरीज को सुन रही है पेड़ के नीचे लेट के। सडनली सी सा अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। तभी उसने एक वाइट रैबिट को देखा, स्कैम्पर बाय, जो बहुत तेज़ी से उनके पास से जा रहा था। ही हैड पिंक आइज एंड वाज वीरिंग अ ब्लू कोट। उसकी जो आइज थी वो किस कलर की थी, पिंक कलर की थी। एंड वाज वीरिंग अ ब्लू कोट, और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज He hurried away. He said, "Oh dear, I will be too late." तो वो अपने जो वेस्ट कोट उसने पहना हुआ था वहाँ से बार बार एक वॉच निकालता था, बड़ी का वॉच निकाल रहा था, उसको देखता और उसको बोल रहा था जल्दी जल्दी में जाते हुए कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ। She thought there was something very different about this rabbit. It could talk. तो एलिस जो सोच रही एलिस उसको देख के सोच रही है कि इस रैबिट के बारे में कुछ तो अलग है, कुछ तो जो है बाकी रैबिट से इसको अलग करता है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच। उसने एक रेड कलर का वेस्ट कोट भी पहना हुआ है और वो एक वॉच भी उसके पास थी जिसको बार बार देख रहा था। एलिस वंडर्ड अ टॉकिंग रैबिट। तो एलिस को जो है आश्चर्य होता है कि एक बोलने वाला रैबिट, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, कि एक ऐसा रैबिट जो जिसने वेस्ट कोट पहना हुआ है। एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट। अब जो एलिस थी वो क्यूरियोसिटी में बर्न हो गई, यानी कि उसके अंदर जो है इच्छाएं जागी कि इसके बारे में मैं और जानूं ये आखिर है कौन। और उसने क्या किया, उस रैबिट का पीछा करना शुरू कर दिया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। रैबिट जो है चल रहा था, उसने स्टार्ट किया और एलिस उसको क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी एलिस। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। तो सडनली क्या हुआ, अचानक से रैबिट जो है वो एक बड़े से रैबिट होल में जंप कर जाता है। एलिस जंप इनटू द रैबिट होल टू, और उसके साथ साथ एलिस भी जंप कर देती है उसी रैबिट होल में। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। अब जो रैबिट है वो उसमें नीचे 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 ही जाता जा रहा है। एलिस सेड अलाउड वेयर एम आई। तो एलिस जो है जोर से बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, और कितने नीचे और कितना नीचे मुझे गिरना पड़ेगा। आई मस्ट बी गोइंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अर्थ के सेंटर के कहीं नज़दीक पहुँच गई हूँ। सी वंडर्ड विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। तो वो उसको जो आश्चर्य होता है वो सोचती है कि क्या मैं जो अर्थ का जो सेंटर है उसके थ्रू कहीं किसी दूसरी साइड तो नहीं पहुंच गई हूँ। थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। तभी जो है वो धड़ाम से नीचे गिरती है। कहाँ पे गिरती है, पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, यानी कि बहुत सारे सूखे पत्तों का एक ढेर था उसके ऊपर वो जाके गिरती है। सी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। उसने जल्दी से अपने आसपास देखा और तभी उसको वाइट रैबिट दोबारा से दिखाई दिया। इट डिसअपियर्ड अगेन और इट डिसअपियर्ड सेइंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। तो ये कहते हुए वो जो है डिसअपियर हो गया, गायब हो गया कि ओ माई ईयर्स, मेरे जो ईयर्स हैं कान हैं और विस्कर्स जो उसकी मूंछें होती हैं, कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ और मैं इतना लेट जो है क्यों हो रहा हूँ। तो उनको बोलता हुआ वो दोबारा से गायब हो जाता है। एलिस स्टूड अप एंड शो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 inches हाई। तो एलिस खड़ी होती है और उसको एक बहुत ही छोटा सा दरवाज़ा दिखता है जिसकी हाइट कितनी है, 15 इंच है। इट वॉज़ टू स्मॉल टू हर टू गो थ्रू। ये इतना जो है छोटा था कि वो उस दरवाजे से नहीं जा सकती थी। शीशा ए ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। तो उसने वहाँ पे एक ग्लास की टेबल देखी जिसके ऊपर एक गोल्डन कलर की रखी हुई थी। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। और उसने जो है उस गोल्डन कलर की जो उसकी की थी उसने उस डोर में उसको फिट किया और वो जो दरवाज़ा था वो खुल गया। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन सी हैड एवर सीन। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला
तो उस दरवाजे के दूसरी तरफ उसको एक बहुत ही सुंदर गार्डन दिखा। ऐसा गार्डन उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। हाउ सी लॉन्ग टू बी अमंग दोज पेयर्स ऑफ ब्राइट फ्लावर एंड दोज कूल फाउंटेन। वहाँ पे उसने क्या देखा, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर बेड थे और कूल फाउंटेन यानी कि बहुत ठंडे ठंडे पानी के जो है फवारे चल रहे थे, वो कूल फाउंटेन उसने देखे। बट सी कुड नॉट एवर गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन वो दरवाज़ा इतना छोटा था कि वो अपना सिर भी उस दरवाजे के बाहर नहीं निकाल सकती थी। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, सी एक्सक्लेम्ड लाउडली। और वो बहुत ज़ोर से बोलती है खुश होके कि काश मैं छोटी हो सकती और उस दरवाजे के पार मैं जा सकती। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन जो है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।